अहम खबर दें आपको, आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली पीटीआई के अनवार उल हक 32 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। नू लीग और पीपल्स पार्टी के मुतफिका उम्मीदवार फैसल मुमताज ने 15 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के चौधरी रियाज डिप्टी स्पीकर असेंबली मुंतखब हुए। डिप्टी स्पीकर के लिए चौधरी रियाज को 32 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून की निसारा अब्बासी ने 15 वोट लिए। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह। पीटीआई के अनवार उल हक आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर और रियाज गुजर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मद मुकाबिल फैसल राठौर और निसारा अब्बासी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पीटीआई के अनवार उल हक 32 वोट लेकर आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि नू लीग और पीपल्स पार्टी के मुतफिका उम्मीदवार फैसल मुमताज ने 15 वोट लिए। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के मेंबर असेंबली चौधरी रियाज गुजर को डिप्टी स्पीकर असेंबली मुंतखब कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर के लिए रियाज गुजर को 32 वोट मिले, जबकि मुस्लिम लीग नून की निसारा अब्बासी ने 15 वोट हासिल किए। वाजह रहे कि आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 53 रुकनी एवान में पीटीआई की नशिस्तों की मजबूत तादाद 32 है। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तीनों मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट उलमा मशायख और समुंदर पार कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उलमा मशायख की नशिस्त पर पीटीआई के पीर मोहम्मद मजहर सईद, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रफीक नैयर और समुंदर पार कश्मीरियों की नशिस्त पर मोहम्मद इकबाल कामयाब हुए।